चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति के सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
ऐसे अपूर्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि, विश्व में अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध में रूपांतर और स्कंध से उस पिंड का बैर बिखेर होकर परमाणु के रूप में रूपांतर, जगत में होता है। ऐसे ही शरीर के अनंत परमाणु के पिंड को ज्ञानी अत्यंत दूर से देखता है। जब यह अनुभूति होती है कि मैं परमात्मा हूं, उसी समय यह श्रद्धा होती है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा अचानक नहीं हो जाता, प्रत्येक आत्मा त्रिकाल परमात्मा है। सिर्फ दृष्टि पर जो आवरण था, वो आवरण हटते ही प्रत्येक आत्मा का परमात्म स्वरूप, सत्य स्वरूप दृष्टि में दिखाई देता है। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी अपूर्व दृष्टि स्वयं को ही परमात्मा नहीं माना था, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा कैसे मानता। आज तक तुमने यही सुना है, तुम बहुत प्रवचनों में गए, तुमने यह सुना कि तुम पापी हो, दुकान पर बैठते हो, व्यापार करते हो, परिवार जनों के साथ रहते हो, भोगों को भोगते हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। तुम्हें पापी कहकर पुकारने वाले तुम्हारे बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा बता रहे हैं कि वे स्वयं को क्या मानते हैं, उनकी दृष्टि में कितना पाप है। जब दृष्टि में से पाप हट जाए तो प्रत्येक आत्मा पापी नहीं, परमात्मा दिखाई देता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा। राह की दीवार का पड़ोसी प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा ऐसे दिखाई देता है। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। पुद्गल परमाणुओं के पिंड को असिसी में सेंट फ्रांसिस हुआ, गजब का आदमी था। वृक्षों से बात करता था, मछलियों से बात करता था, वृक्षों को भाई कहता था, मछलियों को बहन कहता था। मैं तुम्हें भाई बहन नहीं कहता, मैं तुम्हें कहता हूं तुम परमात्मा। जैसे ये तत्व विचार हो कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। यह तत्व विचार कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, कि वो मिथ्यात्व की ग्रंथि खुलती जाती है, वो गठान खुलती जाती है। तुम्हें यह बोध ही नहीं, तुमने प्रयास बहुत किया गठान को खोलने का, मगर गठान खुली नहीं, और ज्यादा बंधती गई। तुम्हें बोध नहीं था,
क्योंकि गठान को खोलने से पहले यह जानना जरूरी है कि गठान लगी कैसे है, और गठान लगी है यह मिथ्यात्व के भाव से, यह मोह के भाव से, यह मोह की ग्रंथि, यह मोह की गांठ। प्रति समय यह तत्व विचार कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसी दृष्टि प्रकट होते ही जहां देखो वहां परमात्मा, बिल्कुल अलग दृष्टि, अलग नहीं बिल्कुल विपरीत दृष्टि। क्योंकि अज्ञानियों की दृष्टि मिथ्या दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि सम्यक दृष्टि, इसलिए विपरीत दृष्टि, अज्ञानियों से बिल्कुल विपरीत दृष्टि, ऐसी वह दशा। इसलिए तो अज्ञानी जब देखता है कुत्ते को देखता है, कुत्ता है, जानवर है, डॉग को देखता है, मगर ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत है। वो डीओजी नहीं देखता, वो जीओडी देखता है, डॉग नहीं वो गॉड देखता है। जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, जीन जे आई एन, जीन जीन नहीं एन आई जे, नीज मैं ही परमात्मा, जीन में नीज को देखता है, स्वयं को देखता है। ऐसी दृष्टि तुम्हारी प्रकट हो, तुम पार हुए। भले दुनिया तुम्हें देखती हो कि तुम अभी राख की दीवार के साथ में हो, मगर तुम पार हुए। ऐसी अपूर्व दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। बस वो मेहमान हुआ, ऐसा ये अपूर्व चमत्कार घटित होता है। यही चैतन्य का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार। तुम मुक्त रूप से फिर विचरण करते हो, फिर तुम कहीं नहीं बंधे। मुझे एक किताब स्मरण में आई, इस सदी की बेहतरीन किताबों में एक किताब, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने यह किताब लिखी जिससे कम्युनिज्म का जन्म हुआ। उस किताब के अंत में जो पंक्ति लिखी है, रात भर मुझे वह स्मरण में आ रही थी। हे जगत के सर्वहारा, जिसके पास कुछ नहीं, ऐसे मजदूरों के लिए वह कड़ी लिखी है। हे सर्वहारा, तुम मिलो, सब मिल जाओ, भेद से मुक्त होकर तुम मिल जाओ। और जब तुम मिल जाओगे, तुम खोओगे कुछ भी नहीं, तुम पाओगे ही पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास खोने को है क्या कि तुम खोओगे? जंजीरों के अतिरिक्त तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए तुम मिलो। किसी के पास जंजीर है, मैं दिगंबर हूं, कोई श्वेतंबर हूं, मैं तेरापंथी हूं, मैं विषपंथी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, तरह तरह की जंजीरों से, और वह जंजीर भी कितनी तुच्छ। तुम मिलो, फिर तुम जो पाओगे वो दृष्टि एक अपूर्व दृष्टि होगी। तुम पाओगे कि रोज तुम जाते थे उपाश्रय में, देरासर में, मंदिर में, हाथ जोड़ते थे, मस्तक झुकाते थे, घुटने टेकते थे, मगर कुछ भी नहीं पाया था। और वो दृष्टि से जब तुम देखोगे, ये परमात्माओं के मेले को तुम देखोगे, ऐसा परमात्माओं का मेला, ऐसे चैतन्य परमात्मा का मेला तुम देख सकोगे। वो दृष्टि, उस दृष्टि का प्रकट होना, ये सम्यक दृष्टि। कार्ल मार्क्स ने जो बात लिखी, कम्युनिज्म के साथ में उसका कोई संबंध नहीं। यह बात तो धार्मिक ग्रंथों में होनी चाहिए, ये तुम्हारे ग्रंथों में होनी चाहिए, जो तुम्हारे ग्रंथों में है नहीं, आश्चर्य। और कम्युनिज्म में यह वाक्य लिखा, वह भी एक आश्चर्य। तुम मिलो, और ऐसी दृष्टि से जब तुम देखोगे, जैसे बच्चे की दृष्टि, छोटे से बच्चे को तुम पूछो
बेटा तू देरावासी है या स्थानकवासी, वो क्या कहेगा? तुम सोचते हो कि तुम बचपन में धार्मिक नहीं थे, थोड़े ज्यादा धार्मिक हो गए हो। मैं कहता हूं बचपना ज्यादा बेहतर था, कुछ भी पता नहीं था। अब तो पतन हुआ, नीचे गिरे, शरीर बढ़ता गया और आत्मा गिरता गया। ऐसी दृष्टि, बस थोड़ी देर के लिए पुकार है ये, तुम्हें जगाने के लिए कि मैं पुकारता हूं, तुम जागो, तुम जागो। एक परमात्मा भी इस अनुभूति को उपलब्ध हो जाए, जाग जाए, पार हुआ। फिर जलते हुए दिए से, जलते हुए दिए की परंपरा चलेगी, यही वास्तविक परंपरा। बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, यह नहीं, ये तो पुद्गल से पुद्गल की परंपरा है। मैं तो ज्योति से ज्योति की परंपरा की बात कहता हूं। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, भाव से भिगकर। सिर्फ शब्दों को मत पकड़ना, शब्द को दोहराने से कुछ भी ना होगा। इसलिए मैं बार बार तुम्हें चेतावनी देता हूं भावों को। कोई व्यक्ति बोले घोड़ा 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 घोड़ा, ये बोलने से कोई घोड़े का मालिक नहीं हो जाता। तुम कितना ही बोलो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कुछ भी ना होगा। यहां अंतर्मुख होकर के उस भाव को ग्रहण करो। पर जैसे ही तुम भाव को ग्रहण करोगे, अनंत सिद्ध परमात्मा को समझ लिया, अब तुम किसी एक ज्ञानी में नहीं अटकोगे। आज तक यही हुआ, किसी एक ज्ञानी को पकड़ा कि बस नहीं, प्रत्येक ज्ञानी ज्ञानी। तुम्हारी रुचि व्यक्ति में न हो, पहले व्यक्ति में रुचि थी, अपने बेटे की ही रुचि थी, मेरा ही बेटा, दूसरा बेटा कोई नहीं, मेरी ही पत्नी, दूसरी पत्नी मेरे लिए कोई लेना देना नहीं, मेरा ही बाप, दूसरे जो भी है मेरे लिए कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही तुमने गुरु को भी ऐसे ही समझ लिया, मेरे गुरु नहीं, जितने भी गुरु वह सब फिर मेरे हो गए, जितने भी गुरु मेरे हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी गुरु को अपनी तिजोरी में बंद कर दो, तुम मालिक हो गए गुरु के। सभी गुरु मेरे गुरु का भाव यह, क्योंकि जो भी गुरु मिले उनके साथ तुम घुंघरू बांध कर ऐसे नाचो, फिर तुम नाचो, तुम्हें कोई आग्रह न होगा, तुम आग्रह से पार हुए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मुक्ति का अनुभव यही है। मैं स्वयं मुक्त हूं, मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूं, मैं स्वयं मुक्त स्वरूप का अनुभव करता हूं, यही है मुक्ति, यही है मुक्ति। आज सुबह ये विचार आ रहा था, रोज परम कृपालु देव के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी विचार किया कृपालु देव की हाथ जोड़ने वाली तस्वीर,
मैंने तो नहीं देखी, हाथ तो जोड़े होंगे मगर उनकी यह दशा हाथ पर हाथ धरे, इससे समझ में आना चाहिए। स्थिर होने में प्राप्ति है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे ज्ञान दीप, ऐसी ये दशा। शब्द भले बोलता है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर शब्दों से पार ऐसी सत्य की श्रद्धा, सत की श्रद्धा, सत का तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व ये घंटियां बजती है, तुम सुनते हो ना मंदिर की, धर्म हो गया। जैसे मंदिर की घंटियां बजती हो धर्म नहीं हो जाता, ऐसे ही ये भी एक घंटियां ही बज रही है मंदिर की। जब मैं ये बोल रहा हूं कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये मंदिर की घंटी है, क्योंकि देह ही मंदिर है और यहां यह घंटी बज रही है, मुंह से यह घंटी बज रही है, जीभ और तालु टकरा कर यह घंटी बज रही है, यह मंदिर की ही घंटी बज रही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यह घंटी बज रही है, मगर घंटी बजने से धर्म नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य चैतन्य बोलने से भी धर्म नहीं होता। अनुभूति, और अनुभूति तब हो जब निरंतर तत्व विचार ये चलता रहे, पूरी तरह से खाली होकर बैठने को जो तैयार हो, समस्त प्रकार के आग्रह अहंकार को छोड़कर बैठने को तैयार हो। एक जगह की घटना मुझे स्मरण में आई, सत्संग हो रहा था, सत्संग के बाद में किसी ने मुझसे पूछा, आप किस संप्रदाय से आए हैं, डेरावासी या स्थानकवासी? तो दूसरे ने यह पूछा,
दिगंबर से या श्वेतंबर से, मैंने कम समय था, मैंने इतना ही कहा। मैं देरावासी स्थानकवासी से भी नहीं आया, मैं दिगंबर श्वेतंबर से भी नहीं आया। तो उन्होंने मुझे पूछा, आपने कोई नया मत खोला है? जैसे मैं चैतन्य परमात्मा की बात करता हूं, कोई नया मत खोला हूं। सत्य अब ऐसा हो गया, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, यह नया मत लगता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है जिसकी पुकार समस्त तीर्थंकर परमात्मा होने की, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। अज्ञानता इतनी है, मोह इतना है, बेहोशी इतनी है, ऐसा ही लगता है, ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा ही भ्रम। फिर कहते हैं कि अब तो आत्मा पाना है, परमात्मा पाना है, अब तो परमात्मा तक पहुंचना ही है। यदि यही धर्म है तो अब तो परमात्मा तक पहुंचना ही है, क्या करूं? एक व्यक्ति शराब के नशे में अपने घर के बाहर रास्ते से गुजरने वाले एक एक व्यक्ति से कहता है, थोड़ी मेहरबानी करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उस व्यक्ति को अपने घर पहुंचने के लिए क्या करना है? कोई यात्रा नहीं करना है, सिर्फ ये नशा चला जाए शराब का, घर के आंगन में ही है। और तुम तो घर के आंगन में नहीं, तुम तो घर में ही हो और शराब के नशे में, ये मोह की शराब के नशे में ये भूल के बैठे हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। तुम्हें आदत है बंधन की, तुम बंधन में ही ऐसे बंधे हो। तुम्हें आज तक यही कहा गया, अधर्म भी शरीर से और धर्म भी शरीर से। थोड़े भूखे रह लिए, प्यासे रह लिए, धर्म हो गया, उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, एम्बिल कर लिया, 48 मिनट एक जगह पर बैठ लिया कि धर्म हो गया। ऐसा धर्म, ये क्रियाकांडों से हमने धर्म को सजाया, ये सजाया है धर्म को, मगर उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अनुभूति से वंचित रह गए। शरीर पर फोड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक फोड़ा, मृत्यु हो ऐसा फोड़ा शरीर पर हुआ है। शरीर पर फोड़ा हुआ और फोड़े पर गुलाब का फूल रख दिया, फोड़े पर गुलाब का फूल रखने से फोड़ा मिट नहीं जाता, ढक जाता है। फोड़े को मिटाने के लिए वैद्य की जरूरत है, मरहम की जरूरत है, मगर ढक दिया। ये मिथ्यात्व का फोड़ा, ये मोह का फोड़ा अच्छे अच्छे क्रियाकांडों से हमने ढक दिया है। सदगुरु वैद्य सुझाव सदगुरु के पास जाकर, मगर वहां तो मिटना पड़ता है। ये रहा मैं, मुझे कोई आग्रह नहीं है, कोई बंधन का, किसी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का। ये मार्ग तो ऐसा है, जो चले वो पहुंचे, ये मोक्ष मार्ग की यात्रा। और ये जो चैतन्य की पुकार है, ये सुनने के लिए तुम बैठे, सुनकर के अब तुम विचार करोगे, चिंतन करोगे। धन का ढेर मैंने इकट्ठा किया है,
मगर जैसे ही आंख बंद हुई कि पता चले कि मैंने जीवन कहां गवा दिया, ये परम धन की अनुभूति से तो वंचित ही रह गया। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी दशा होती है। शरीर तो होता है, शरीर की क्रिया तो होती है, मगर क्रिया से ज्ञानी का धर्म नहीं होता। यह जागृति ऐसा होता है कि आत्मा में ऐसी स्थिरता रहे कि पता ही न चले। पता ही न चले पहले नोट को गिनता था, दुकान पर बैठता था तब अब सामायिक को गिनता है, कितना सामायिक कर लिया। पहले ग्राहकों को देखता था, गिनती करता था कितने ग्राहक आए, अब गिनती करने लगा कितने शिष्य मेरे सामने आए। दुकान पर ही बैठा है, धार्मिक नहीं हुआ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये कुछ ही विरले को ये समझ में आएगा, ये मिलान होना, ये कुछ ही विरले सुनने के लिए तो बहुत आते हैं, मगर ये मिलान होना, जब मैं यहां कहूं कि चैतन्य और तुम्हारे अंतर में ये शरीर के परमाणु वहां कहीं नहीं, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, आकार नहीं कि देह जैसा ऐसा आत्मा, ऐसा नहीं, चैतन्य। हाँ, ऐसा स्वरूप चैतन्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप। इसलिए ज्ञान प्रकट होते ही आत्मज्ञानी कि यही तो दशा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, तुम सुनने के लिए आए हो, तुम आज सुनो, विचार करो। मैं नहीं कहता हूं तुम्हें कि मैं गुरु हूं, याद रहे जिसने भी आत्मा को पाया होगा वो गुरु होना न चाहेगा, इसलिए क्योंकि गुरु का पद तो नीचा हो गया, और अनुभव में आया हो परमात्मा, परमात्मा के पद को छोड़कर नीचे गिरना कौन चाहे। मैं परमात्मा ऐसा अनुभव होता है कि बस एक अंतिम जगत के जीवों के प्रति ये ऐसी निष्कारण करुणा जो परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर समस्त मतांतर से पार ऐसी स्वरूप की प्रधानता, कोई बंधन नहीं। तुम बंधे हो, तुम जैन हो, तुम अजैन हो, नहीं नहीं मैं अजैन नहीं मैं जैन हूं, यह भी तुम बंधे हो, पिंजरे में बंधे हो,
भले ही सोने का पिंजरा हो मगर पिंजरे में बंधे हो। और सदा याद रहे कि तुम पिंजरे में बंधे रहने के लिए नहीं हो, तुम मुक्त रूप से विचरण करने के लिए हो। वो पिंजरे में रह रहकर पिंजरे से ऐसा मोह हो गया कि तुम्हें तो आकाश की याद ही नहीं आई, तुम्हें ये याद ही नहीं आई कि आकाश है। आकाश तो दूर, तुम्हें यह याद भी नहीं आई कि तुम्हारे पास पंख भी है। आत्मा हा हा हा, हे चैतन्य परमात्मा, ये तुम्हारा काल पका, तुम्हारी योग्यता पकी, तुम्हारी नियति, तुम्हारी भवितव्यता, तुम्हारी होनहार, ये तड़प अंदर कहीं ना कहीं होगी ना, वरना यह नहीं मिलता। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बहुत मुश्किल है मगर प्यासे को मिल जाता है। तुम प्यासे हो, तुम्हें एहसास हुआ, इस पृथ्वी पर देखते हो ना, पौने भाग से भी ज्यादा पानी है, समुद्र का पानी पौने भाग से ज्यादा खारा खारा पानी, खारा पानी भले पौने भाग का हो फिर भी प्यासे को मीठा जल मिल ही जाता है। तुम्हें चैतन्य का रस जगा, तुम्हें अनुभूति अवश्य होगी। देर है मगर अंधेर नहीं, ये दुनिया कहती है, मैं नहीं, दुनिया कहती है देर है मगर अंधेर नहीं। मैं तो कहता हूं ये जो देर है वही अंधेर है, क्योंकि तुम परमात्मा और देरी क्यों? मैं चैतन्य, चैतन्य परमात्मा, प्रति समय अंतर में जागृति, तुम सुनना मेरे शब्दों को मगर शब्दों को अकेले मत सुनना, शब्दों के बीच में जो अवकाश होता है उस अवकाश को भी तुम सुनना, तब फिर शब्दों के भाव बदल जाएंगे, तब कुछ और तुम्हें समझ में आएगा। शब्दों से पार वो जो मौन को तुम सुनना, मौन को समझना, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, अंतस्थिति हो, मगर जागृति कि मैं स्थिति नहीं, मैं तो स्थित हूं, त्रिकाल चैतन्य यही मैं हूं, यही मैं हूं। फिर तुम देख सकोगे ये सब घटनाएं, ये प्रवाह काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तुम्हें एक समय के लिए ये अनुभूति जैसे ठहर गया, और ठहर नहीं गया, ठहरे हुए में ध्यान ठहर गया, ज्ञान ठहर गया, ऐसी वह अनुभूति, आत्मा की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, ठहरे हुए में ठहर गया, स्थिर में स्थिर हो गया, वही निर्विकल्प हो गया, मौन हो गया, मुनि हो गया, मन से पार हो गया। प्रति समय यह जागृति। आज सुबह ही मैं जब देखता था, मैंने कहा परम कृपालु देव के सामने हाथ जोड़कर ऐसे देखा, पांच उंगली को देखा दोनों हाथ की, कि देखा, मुझे एक बात स्मरण में आई,
एक जगह लिखा था, किसी किताब में। मैंने श्रोता को पूछा, आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने पूछा, इस किताब में लिखा है 52 स्त्रियों को मां के समान देखना चाहिए, मगर 52 स्त्रियों के नाम तो नहीं बताए। और तब मुझे उसे बताना पड़ा, ये 52 नहीं लिखा, ये पर लिखा है, पर स्त्री। वो 52 बोल रहा है, 52 स्त्रियों को मां समान। वो आज के दिन इसलिए स्मरण में आया क्योंकि आज 52 का दिन है, 5 तारीख 2रा महीना। ये पर का दिन है और अभी 9:52 मिनट हुई। बावन का दिन, उससे मुझे एक बात स्मरण में आई, 52 पत्ते का खेल, 13-13 पत्ते बांट देते हैं, 4 आदमी बैठ जाते हैं, उसमें एक पत्ता ऐसा होता है राजा का कि कितना ऊंचा पत्ता, मगर राजा से भी एक ऊंचा पत्ता होता है, वो एक का एक राजा से भी ऊंचा। वो बचपन से मुझे ये विचार आता, कितने भी राजा हुए महाराजा हुए मगर सब नीचे, ऊंचा तो एक एक का, ये चैतन्य एक का, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं। और ये बात जब मैं कहता, लोग कहते हैं मगर उसे पाने के लिए हमारी स्थिति अभी ऐसी है। जब मैं आपको कहूं ना कि ये अनुभूति करना है, ये साधना प्रारंभ करना है, ये 2 दिन तुम्हारे लिए है, ये जीवन में, कल ही मुझसे कोई कह रहे थे, एक ही प्रवचन उन्होंने सुना कि उनका जीवन बदल गया, उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। भाई साहब बैठे सामने, पूरा परिवर्तन। मैं भीड़ के लिए नहीं आता, मुझे मास नहीं चाहिए, मुझे क्लास चाहिए। एक जीव में भी ऐसी अंतर की कि बस मुझे तो पता ही नहीं मैं परमात्मा है। लोग, अभी मैं आपसे कहूंगा, कौन करना चाहता है ये साधना का शुभारंभ? कल मैंने कुछ लोगों को पूछा था, करना है ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना? हाँ करना है, लेकिन किंतु परंतु बट ये राजनीति की भाषा है, परंतु लेकिन किंतु ये धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक तो ये हा या ना, सीधी सी बात, इतना तो प्रामाणिक हुआ, कह देता है जो है सो। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि तकलीफ ऐसी है परिवारजनों की, स्थिति ऐसी है कि अभी संजोग ऐसे नहीं है,
पति का साथ नहीं है, सास ससुर का साथ नहीं है, पत्नी का साथ नहीं है, ऐसे तो बहुत कम होते हैं। सब पत्नी कहती है जाओ, या देखते नहीं हो भीड़ किनकी ज्यादा, पतियों की या पत्नियों की। शिकायत मत करना कोई दूसरा मुझे पटकाता है। ये मत कहना ये गाड़ी का स्टेयरिंग मुझे क्यों भटकाता है, मुझे चलाना नहीं आता, मुझे ही नहीं चलना ठीक तरह से। 52 पत्ते के खेल से मुझे एक बात स्मरण में आई। 4 आदमियों को पत्ते बांट दिए हो, मैंने ऐसा देखा है किसी को इतने बुरे पत्ते मिले और किसी को अच्छे पत्ते मिले, मगर बुरे पत्ते मिले हो और खेलना आता हो तो वो जीत सकता है, और अच्छे पत्ते मिले हो और खेलना ना आता हो वो हार सकता है। कितनी भी प्रतिकूलता हो मगर तुम्हें यदि खेलना आता है, जीत तुम्हारी है। और बुरे पत्ते वाले ज्यादा पुरुषार्थ, सब कुछ दांव पर लगाया। यह जुआ खेलने जैसा है, यह जुआ खेलने जैसा है, सब कुछ दांव पर लगाया। इसलिए मैं साधक जो मेरे पास आते हैं उनको कहता हूं दांव पर लगाओ, सब कुछ दांव पर लगाओ, मगर बनिया है थोड़ा बचाओ थोड़ा छोड़ो, नहीं नहीं होगा, सब कुछ दांव पर लगाया। और दांव पर लगाया तो क्या लगाया, मेरा था ही क्या जिसे मैंने दांव पर लगाया। पर ये जुआ खेलने जैसा है, कुछ लोग क्या करते हैं बस इतना ही रिकॉर्डिंग का पार्ट निकाल कर फिर भेजते, बोलते जुआ खेलने जैसा है, ऐसा प्रवचन में कहते, इससे पहले तो बोला कुछ भी नहीं, ऐसे ही तो गड़बड़ होती है। यह जुआ खेलने जैसा है, फिर मैं जानबूझकर बोलता हूं यह जुआ खेलने जैसा है। प्रति समय जागृति का अभ्यास, शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति, इतना इतना भोगों को भोगा, दुकान पर बैठ करके जब थक जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं थक जाते हैं, महिलाएं काम घर का इतना करती है थक जाती है, फिर क्या करते हैं, फिर जब थक जाते हैं तब फिर कोई खेल खेलते हैं कि चलो खेल खेले, टीवी देख ले मनोरंजन हो जाएगा, सितार बजा ले मनोरंजन हो जाएगा, थकान उतर जाएगी। मैं ये नहीं कहता टीवी मत देखना, मैं ये नहीं कहता सितार नहीं बजाना, मैं ये नहीं कहता खेल मत खेलना, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जैसे तुम पहले थके इतने थके इतने थके कि फिर तुम टीवी देखने आए, फिर तुम खेल खेलने बैठे जुआ खेलने बैठे, इतने थके कि मनोरंजन, अब मैं तुमसे यह कहता हूं ये मनोरंजन से भी इतने थको कि फिर तुम्हें हो कि अब क्या, फिर अंतर में ही एकमात्र उपाय यह स्वरूप की अनुभूति, बस खेल से थको, इतना खेल खेलो इतना खेल खेलो, मगर खेल से थकान लगे कि अब नहीं, बस
और उस समय जो तुम्हें निराकुलता और शांति की अनुभूति होगी, जैसी अनुभूति तुम्हें आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए तो जब आत्मा की अनुभूति होती है, एक समय के बाद क्या होगा वो ज्ञान में नहीं है। आत्मज्ञानी ज्योतिष नहीं होता कि एक समय के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। जैसे तुम्हें नहीं पता, ऐसे ज्ञानियों को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, कल क्या, अगले समय क्या होगा। अगले समय क्या होगा ये ज्ञानी को ज्ञान नहीं है, परंतु अनंत काल की श्रद्धा है। अनंत काल की श्रद्धा यह कि एक समय बाद, दो समय बाद, तीन समय बाद, चार समय बाद, अनंत समय बाद जो भी होगा वो मेरे चैतन्य स्वरूप के बाहर ही होगा। यहां तो मैं हूं, ऐसी श्रद्धा। इसलिए आत्मज्ञानी भविष्य के बारे में नहीं जानता, फिर भी निश्चिंत है इस श्रद्धा के बल पर कि जो भी होगा वो मुझ में नहीं होगा, मैं चैतन्य। ऐसी श्रद्धा का जोर, ये श्रद्धा का जोर, इस श्रद्धा के बल पर वो निश्चिंत है, निशंकित है, सप्त भयों से मुक्त हुआ है। ये श्रद्धा, ये परमाणु जो थोड़े मिले, ये परमाणु उसका उपयोग हो। मनुष्य शरीर के ये परमाणु का उपयोग हो। मैं तुमसे उपयोग करने के लिए कहता हूं, शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं कहता। उपयोग करो, ये जो शरीर के परमाणु मिले उसका उपयोग हो। भूखा रहो, प्यासा रहो, ऐसा नहीं धूप में खड़े रह जाओ, बिना चप्पल के चलो, ऐसा नहीं। ये जो परमाणु मिले उस परमाणु का उपयोग, इन परमाणुओं का उपयोग हो। और उपयोग कैसे करोगे कि ये जो परमाणु मिले हैं इन परमाणुओं का उपयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें। ये परमाणुओं का सदुपयोग ऐसे कि ये जो परमाणु मिले हैं, ये परमाणु मैं नहीं और मैं चैतन्य, ये परमाणुओं का सदुपयोग हो गया। इस देह के साथ रहकर ये मान लिया कि देह मैं नहीं, वो देह का उपयोग हो गया। इसलिए देह को नष्ट करने को नहीं कहता, तड़पाने को नहीं कहता। बाहर से कितने भी तुम नग्न होकर के मुनि हो जाओ, मगर भीतर में क्या है ये महत्वपूर्ण है। बाहर नहीं, भीतर, भीतर में। तुम में इतनी समझ तो है, कोई आदमी गले में टाई पहनकर स्टेथोस्कोप डॉक्टर का गले में लटका दे, टाई पहन ले और गले में लटका दिया स्टेथोस्कोप, तुम इतने तो मूर्ख नहीं कि उन्हें तुम डॉक्टर मान लो क्या? बस इतना करने से वो डॉक्टर हो गए? उसे पूछो तो कि भीतर में क्या है। अनंत बार मैंने ऐसा किया, अनंत बार मैं मुनि हुआ बाहर से, अब नहीं। अब ये सुवर्ण युग आया, गोल्डन टाइम आया,
भीतर में और भीतर में यदि सब ठीक हो और बाहर में टाई नहीं भी पहनी होगी डॉक्टर की तरह तो भी चलेगा। ऑपरेशन करने डॉक्टर आते हैं टाई पहन कर नहीं आते, सादे कपड़े में। इमरजेंसी में रात को 2 बजे डॉक्टर आएंगे तो भी इमरजेंसी में आए हैं। जब इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं बाहर से नहीं दिखते डॉक्टर जैसे, मगर भीतर में तो वही ज्ञान ये है परम कृपालु देव। बाहर से मुनि नहीं थे मगर भीतर में सदगुरु वैद्य सुचार। हे चैतन्य परमात्मा, पृथ्वी के कोने कोने में मैं गया हूं, एक एक देश के भूमि पर पैर रखा है, मगर पता नहीं जब मैं इस धरती पर पैर रखता हूं पिछली बार मुझे कुछ अलग ही भाव आते हैं। पर ये तो मेरे गुरु की भूमि राजनांदगांव, जैसे मैं तीर्थ की यात्रा पर आया हूं, नाक बंद नहीं होती, नींद ही नहीं आती, राज के नगर में प्रवेश हुआ। तुम्हारे लिए कम अपने लिए ज्यादा बोलता हूं, बोल लो बोल लो बोल लो और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, फिर ऊब आ जाए कि बस अब ये भी नहीं, अब तो कब वह दशा प्रकट हो। वन विहारी संत हो, परम कृपालु देव की यही तो विशेषता। तुम देखते हो ना शरीर पर कुछ भी नहीं, एक लंगोट जैसा ही पहन कर रखा है। छोड़ने में तो क्या था, ऐसे ही उतार देते बस बात खत्म हो गई कि मुनि, मगर नहीं, प्रामाणिकता। अभी अंदर वो भाव पड़ा है, मैं दुनिया से माया न करूंगा, दुनिया के साथ छल न करूंगा, अभी भाव है मुझे राग का, कपड़े पहनने का, मैं सत्य कहूं सत्य, माया न करूंगा अहो भाव से श्रद्धा समर्पित होती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह तत्व विचार हो, चैतन्य चैतन्य चैतन्य
हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे विकल्प भी जब आत्मा में उत्पन्न हो, उस समय भी यह जागृति, यह भेद विज्ञान कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, यह भाव जो उत्पन्न हो रहा है, यह भाव भी मैं नहीं हूँ, ऐसा तत्व विचार, और उसके लिए कुछ प्रयोग है, जो प्रयोग के बारे में मैं आज शाम को भावना पाता हूँ, चर्चा हो, आज शाम को तत्व विचार करते करते, चिंतन करते करते पर से उपयोग हट जाता है और उपयोग अंतर्मुख होता है, गैर हाजिर हो जाता है, यहाँ हाजिर रह कर के भी गैर हाजिर हो जाता है, वह दशा कैसी सहज है उसके बारे में कुछ राज है, भावना पाता हूँ, चर्चा हो। फिलहाल अभी आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आपका मुझ पर, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।